सबसे पहले तो सॉरी, ये जो आप फोटो देख रहे हैं ये ज्ञानपीठ अवार्ड है, उतना अच्छे से नहीं आ पाया इसके लिए सॉरी। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि ज्ञानपीठ अवार्ड क्या है, ज्ञानपीठ अवार्ड किसको पहली बार दिया गया था, ज्ञानपीठ अवार्ड की विशेषताएं क्या है, ठीक है, और वो किस किस लैंग्वेज में दिया जाता है। तो आप लोगों ने शायद ज्ञानपीठ अवार्ड को अच्छे से देख ही लिया होगा। ये एक सरस्वती माँ का मूर्ति टाइप का है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं ज्ञानपीठ अवार्ड। सरस्वती माँ का मूर्ति क्यों? क्योंकि वो जो है शिक्षा की देवी है, इसलिए सरस्वती माँ का एक मूर्ति टाइप का है, ठीक है। ज्ञानपीठ अवार्ड के अगर बारे में बात करें तो ये भारत का, इंडिया का सबसे पुराना और सबसे ऊँचा भारतीय साहित्य में जो दिया जाने वाला अवार्ड है वो ज्ञानपीठ अवार्ड है, ठीक है। ज्ञानपीठ अवार्ड क्यों दिया जाता है? तो वो ऐसे लेखकों को दिया जाता है जिन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया है साहित्य के रूप में, लिटरेचर के क्षेत्र में, ठीक है। ज्ञानपीठ अवार्ड 1961 को बनाया गया था, ठीक है, तब से ये दिया जाता है इंडियन राइटर्स को। एक बात जानने वाली बात है कि ज्ञानपीठ अवार्ड सिर्फ इंडियन राइटर्स को ही दिया जाता है, कोई विदेशी राइटर्स को ये नहीं दिया जाएगा, ठीक है। और ऐसे राइटर्स को ही दिया जाता है जो कि भारत के 8वें शेड्यूल में जो जो लैंग्वेजेस लिखा गया हो, जैसे संस्कृत हो गया, उड़िया हो गया, उर्दू हो गया, ऐसे लैंग्वेजों को मैं अपना वो बुक लिखे या फिर कुछ भी अपना लिटरेचर लिखे या फिर इंग्लिश में अगर उन्होंने लिखा हो तो, ठीक है। अब इसको कौन देता है? तो इसको भारतीय ज्ञानपीठ समिति देती है, ठीक है। अभी तक 60 लोगों को ये अवार्ड मिल चुका है। इसका पहला विनर कौन था? तो इसका पहला विनर था जी शंकर करूप, ठीक है। इसका वेबसाइट है JNANPITH.NET, ठीक है। अभी हम लोग बात करते हैं सबसे पहले इसका, सबसे पहला जो अवार्डी था, जो सबसे पहले इनको अवार्ड मिला था वो कौन थे? तो जैसे हम बताया वो थे जी शंकर करूप। और ये अवार्ड उनको कब मिला था? ये अवार्ड मिला था 1965 में। ये एक मलयाली राइटर थे। ये अवार्ड उनको क्यों मिला था? क्योंकि उनका एक कलेक्शन ऑफ पोएम्स था, मतलब एक पोएम का एक कलेक्शन था, पोएम का एक ग्रुप था, जिसका नाम दिया गया था ओडा कुजल, मतलब अंग्रेजी में अगर बोले तो बैम्बू फ्लूट और हिंदी में बोले तो बाँस की बाँसुरी, ठीक है, जो कि 1950s में पब्लिश किया गया था, ठीक है। अब फिर क्या हुआ, धीरे धीरे कुछ समय के बाद एक रूल था, इसका मतलब जो पहले कभी भी कोई भी लिटरेचर जो भी मतलब किया हो, पब्लिश किया हो, उसको मिलता था अवार्ड। लेकिन उस रूल को चेंज करके क्या किया गया, उस रूल को चेंज करके ये बोला गया कि ऐसे ही कामों को हम लोग नज़र में डालेंगे, ऐसे ही कामों पर हम लोग ध्यान देंगे जो पिछले 20 साल के अंदर अंदर पब्लिश किया गया हो, ठीक है। और उसके बाद उस समय जो था वो 1.5 लाख रुपया प्राइस को बढ़ा करके रख दिया गया। ये बात है 1981 की, ठीक है। 2015 में क्या किया गया, उस प्राइस को बढ़ा के 11 लाख रुपया कर दिया गया। और जो भी 23 लैंग्वेजेस था उसमें से जो आपका 22 लैंग्वेजेस आपका शेड्यूल में हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल में, और एक इंग्लिश में, तो 23 लैंग्वेजेस जो था उसी में बस ये अवार्ड मिल सकता है, ठीक है। जैसे मैंने पहले बताया अब तक 16 भाषाओं में ये अवार्ड को मिला है, जिसमें कि हिंदी में 11 बार, कन्नड़ में 8 बार, बंगाली और मलयालम में 6-6 बार अवार्ड मिला है, गुजराती, मराठी, उड़िया और उर्दू में 4-4 बार, तेलुगू में 3 बार, असमीज, पंजाबीज और तमिल में 2 बार अवार्ड मिला है, ठीक है। इंग्लिश, कश्मीरी, कोंकणी और संस्कृत में 1-1 बार अवार्ड मिल चुका है अभी तक, ठीक है। अभी तक 58 राइटर्स को अवार्ड मिला है, जिसमें सॉरी 60 राइटर्स को अवार्ड मिला है, जिसमें कि 7 वुमेन है, मतलब 7 औरत है। 1976 में बंगाली एक नोवेलिस्ट थी, बंगाली एक साहित्यकार थी जिसका नाम था आशापूर्ण देवी, उनको ये जो है पहला महिला बनने का गौरव प्राप्त हुआ, जिनको ये और मतलब अवार्ड मिला। क्यों अवार्ड मिला था उनको? क्योंकि उनका एक नॉवेल था जिसका नाम था प्रथम प्रस्तुति, मतलब फर्स्ट प्रॉमिस, ठीक है, जो कि एक ट्रायोलॉजी था, मतलब 3 एपिसोड्स में वो पूरा आया था नॉवेल, तो इसलिए उनको ये मिला था, ठीक है। अभी सबसे हालिया जो विजेता है वो कौन है? 2019 के विजेता मलयालम पोएट और ऐसे लिखने वाले अखितम अछूतम नभूत्री, ठीक है, उनको 2019 में ये अवार्ड मिला। अब हम लोग जानते हैं कि जब पहले स्टार्ट किया गया था तो ये अवार्ड जी शंकर स्वरूप को कैसे मिला, करूप को कैसे मिला? तो उस समय जो सिलेक्शन बोर्ड थे उनका जो उनमें जो आदमी लोग थे वो थे कलेकर, निरंजन राय, करण सिंह, आर.आर. दिवाकर, एन. राघवन, बी. गोपाल रेड्डी, हरे कृष्ण मेहता, राम जैन, लक्ष्मी चंद्र जैन, और इनको हेड कर रहा था संपूर्णानंद, ठीक है।
उस समय 1921 से 1951 तक जो भी वर्क था, जो भी काम हुआ था, उस पर नज़र डाला गया था। ठीक है, तो जो नौ लैंग्वेज का कमेटी बनाया गया, ठीक है, वो अपना अपना नॉमिनेशन डाला उस समय, ठीक है, और हिंदी और इंग्लिश में भी डाला। अब आखिर जो राउंड बचा, मतलब जब राउंड चेंज करते करते जब सबका काम देखा गया, बोला नहीं ये इससे बेटर, ये इससे बेटर, तो आखिर जो राउंड बचा उसमें चार ऑथर का नाम आया। ठीक है, पहला था काजी नजरुल इस्लाम जो कि बंगाली में लिखे थे, डी वी गुंडप्पा जो कि कन्नड़ में लिखे थे, विश्वनाथ सत्यनारायण जो कि तेलुगु में लिखे थे, और जे शंकर करूप जो कि मलयालम में लिखे थे। ठीक है, फिर 19 नवंबर 1966 को जे शंकर करूप को ये अवार्ड मिला, जिसमें सरस्वती माँ का मूर्ति, जैसे हम आपको दिखा चुके हैं, एक साइटेशन, मतलब एक लिखित रूप से कि हाँ जे शंकर स्वरूप जो है भारत के सर्वश्रेष्ठ जो आपका लिटरेचर साहित्य में अवार्ड होता है गणनपीठ, ज्ञानपीठ अवार्ड, उसको प्रस्तुत किया जाता है, उन पर उनको दिया जाता है, और उनको एक प्राइज दिया गया 1,00,000 रुपये का। ठीक है, जो कि सेरेमनी हुआ था आपका विज्ञान भवन दिल्ली में। ठीक है, तो हम लोग जान गए कि ज्ञानपीठ अवार्ड क्या था। ठीक है, अगर आप लोग ये वीडियो जहाँ तक देखे हो और आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस वीडियो में आपको कुछ भी पूछना हो या कुछ भी बताना हो तो उस पर कमेंट कीजिए, और इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।